ये फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोग का सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड। देखिए भरा पड़ा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पद्मा। अभी मैं हूँ सोनप्रयाग की टैक्सी स्टैंड में, यहीं से आपका स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। चलो फिर मैं आगे आगे दिखाती हूँ हम लोग का आज का प्रोग्राम क्या क्या है। ये नश ट्रेन टैक्सी स्टैंड है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, एकदम हजार हजार गाड़ी जो ऊपर जाता है ना, सब रखे रहते हैं इसमें। ये ना फ्रेंड्स, सीतापुर का कार पार्किंग है। हम लोग जब ऊपर से आए ना केदारनाथ से, फिर केदारनाथ से गौरीकुंड आ गए थे घोड़े में, और गौरीकुंड से फिर सोनप्रयाग वो बोलेरो में आ गए थे, और फिर सोनप्रयाग से ये वापस हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं और हमारे ही गाड़ी में। तो ये सीतापुर का पार्किंग है, देखिए कितना बड़ा सा पार्किंग है सीतापुर में। और ये यहीं से हम लोग निकल रहे हैं। ये ना फ्रेंड्स, देखिए जो बड़े बड़े गाड़ी खड़े हैं ना, ये जब लैंडस्लाइड होता है तो सब मलबा निकालने के लिए ये हमेशा 24/7 ये गाड़ी सब खड़े रहते हैं, क्योंकि ये रास्ता ना पूरा स्केरी है, हमेशा लैंडस्लाइडिंग रहता ही है। ये रास्ते का नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर ग्रीनरी भरा पड़ा है, और रोड भी इतना सुंदर है ना, साइड में नदी और आप पूरा पहाड़ के नीचे नीचे ही जा रहे हो। स्केरी है बट एंटरटेनिंग भी है, और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे गाड़ी के अंदर, देखते देखते जा रहे थे। इसे कहते हैं लैंडस्लाइड। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो रास्ते के साइड में सब बड़ा बड़ा पत्थर देख रहे हो ना, ये सब लैंडस्लाइड का नतीजा है। ऊपर से ना फ्रेंड्स, बारिश भी हो रहा था ना, तो ऊपर से सारे पूरा लैंडस्लाइड हो चुके थे रात को, और इसीलिए हम लोग का बद्रीनाथ जाने का टाइम थोड़ा डिले हो गया था। फाटा में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता, और रास्ते में हरेक थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हर एक जगह में लैंडस्लाइड हुआ रखा था, और मलबे सब पड़े हुए थे, तो गाड़ी सब भी थे उसको साफ कर रहे थे, और हम लोग देखते देखते ही जा रहे थे। यहाँ फ्रेंड आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए, पहाड़ी के ऊपर कैसे बादल सब अच्छे से बिखरे हुए हैं, जैसे कि रुई के बराबर दिख रहे थे, बहुत सुंदर। कर्ण और अलकनंदा श्री राम बोले पानी के लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, सात रहने सब बताए
देखिए फ्रेंड्स, कितना डरावनी सीन है, कितना लैंडस्लाइड हुआ है देखिए। और जब ये हुआ होगा तो पता नहीं कितनों का कितना नुकसान हुआ होगा, तो देख के पूरा दिल दहला देता है पूरा ये सब। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये फ्रेंड हो गया आपका नंद प्रयाग, रिवर नंदा एंड अलग नंदा दोनों का ही संगम स्थली नंद प्रयाग। ये ना फ्रेंड्स, हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, अभी एंट्री कर चुके हैं रात को 11 बजे। फ्रेंड्स, हमारी होटल से चारों तरफ का व्यू उधर देखिए, कैसे बर्फ गिरा पड़ा है। उधर देखिए ये बद्रीनाथ का, अब जो है ना देखिए कितना ऊंचा ऊंचा। ये देखिए फ्रेंड्स पहाड़ों का नज़ारा, कैसे बर्फ गिरा हुआ है। हाँ, और वो देखो कैसे बर्फ के ऊपर ना वो आइस होके कैसे दिख रहा है। देखो इतना सुंदर नज़ारा फ्रेंड्स, क्या बताऊँ मैं। देखो आइस के ऊपर उस सनलाइट है ना, वो ऐसे शाइनिंग। ये मेरा कहना, देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। वो हिमालय माउंटेन में देखिए कैसे सनलाइट पड़ के ना वो शाइनिंग हो रहा है, तो डॉली अभी उसमें पोज दे रही है। अच्छा, ये हो गया नारायण पर्वत, और इधर का हो गया नर पर्वत। ये दोनों ही इधर बैठ के तप कर रहे थे। यहाँ पे फ्रेंड्स टीकू एंड डॉली दोनों ही रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए थे, और मैं तो सबसे पहले ही निकल गई थी। देखिए बद्री विशाल जी का मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, और ये रहा देखिए कितना सुंदर एंड कलर। चल चल नहीं आ जाओ, इधर अभी हम लोग निकल गए हैं बद्री विशाल जी के। देखिए भीड़, और हम लोग सब जा रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स जो नजारा है ये रहा। बद्री विशाल जी का मंदिर, और यहाँ पे ना फ्रेंड्स हम लोग जो मंदिर जाने वाले क्यू में लगे हुए हैं, तभी मैं थोड़ा इधर उधर का, जैसे कि ये देखिए अलकनंदा नदी बह रही है, और यहाँ पे बहुत लोग ना फ्रेंड्स पितृ पूजन कर रहे थे, तो हम लोग सब वही देखते हुए लाइन में भी लगे हुए थे। और पता नहीं 1-1.5 घंटा करीबन हम लोग लाइन में रहने के बाद फिर भगवान जी का दर्शन करने को हम लोग को मिला था। और उधर कुछ कुछ हम लोग बातें कर रहे थे और खड़े हुए थे क्यू पे। ये ना फ्रेंड्स मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर जो जो हनुमान जी लक्ष्मी नारायण टेम्पल सब अलग अलग सा है, वो सब हम लोग घूम घूम के देख रहे थे चारों तरफ। ये हो गया आपका महिला कुंड, जो तप्त कुंड, इसमें हम लोग अभी पैर धोएंगे। ये देखिए लोग कैसे नहा रहे हैं। ये फ्रेंड्स ये जो है अलकनंदा बह रही है, ये देखिए, ये देखिए उसका कुंडल ऊपर गिर रहे हैं।
चप्पल तक के जाऊ। ये ना फ्रेंड्स देखिए, कुल्लड़ वाली दूध, केसर वाला दूध। यहाँ ना फ्रेंड्स हम लोग बद्रीनाथ छोड़ के आ गए हैं। रास्ते का नजारा देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. देखिए फ्रेंड्स कैसे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया कार का। और आरबे का सब इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगा। बेस है भी एक कहीं गढ़वाल में उत्तराखंड के आगे ना, आगे से दिखेगा, वहां से दिखेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पद्मा। आप लोग कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। और फ्रेंड्स मैं ये आपको ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रुद्रप्रयाग से। हम लोग जो बद्रीनाथ गए हुए थे ना, तो अभी जो रुद्रप्रयाग में हम लोग खड़े हुए हैं, मतलब कि रुके हुए हैं, तो मैं आपको ये नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए ये सब कितना पहाड़ी, कितना सुंदर है। देखिए ये जो होटल है संगरीला, इधर हम रुके हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो हम लोग रुके हुए हैं ना रुद्रप्रयाग में, उसी प्लेस का व्यू है। और जो जाते वक्त मैं दिखाई थी आपको, जहाँ पे मंदाकिनी एंड अलकनंदा का प्रयाग होता है ना संगम, उसी को रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और वहीं पे हम लोग रात रुके थे आते वक्त। फिर उधर का ही नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए वो भी बहुत सुंदर है, होटल जितना सुंदर है। और जो चारों तरफ का बैकड्रॉप जैसे बोलते हो आप, चारों तरफ का नज़ारा भी इतना सुंदर है ना फ्रेंड्स कि आप ज़रूर एंजॉय करोगे ये सब देखते हुए, नेचुरल ब्यूटी सब। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हम लोग जो है देवप्रयाग में उतरे हैं। ये देखिए अलकनंदा, और ये जो ये लेफ्ट से आ रही ना, ये अलकनंदा और राइट से भागीरथी, दोनों का संगम है। इसको देवप्रयाग बोलते हैं। दुईटा बोट नो दिया है ना, ये दुईटा बोट नो दे किसी के बिना स्टार्टिंग है। गंगा स्टार्टिंग है रे, एक्चुअली एडा भागीरथी है, भागीरथी और दुईटा मिसिंग है। हेलो गंगा नदी ना बारे हेलो भागीरथी बारे के देखे हमारे गोमु गंगा बोल के आई ने गोमु तो है लगे दे लगा बारे के ये बिना है लगा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स देवप्रयाग एक छोटा सा प्लेस है, उसका ब्यूटी देखिए कितना सुंदर है। दोनों नदी के चारों तरफ छोटा सा रंग बिरंगे सारे घर, सब कितना सुंदर दिखता है ना। और ना फ्रेंड्स सारा टूर ख़त्म करके मैं यहाँ दिल्ली में पहुँच गई हूँ। फिर दिल्ली के बाद मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके भुवनेश्वर आ गई हूँ। और मेरा जो टूर केदारनाथ बद्रीनाथ का टूर ख़त्म हो गया और मैं भुवनेश्वर अभी पहुँच गई हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, और आपको कैसा लगा बताना ज़रूर मेरा ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाला टूर ब्लॉग। होप अच्छा लगे, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना फ्रेंड्स। बाय बाय।